गुड मॉर्निंग कलीग्स, दिस इज़ हरीश अय्यर फ्रॉम JSW. आई एम अ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड वेलकम टू यू ऑल टू आर टुडे सब्जेक्ट ऑफ मैनेजरल इकोनॉमिक्स. मैनेजरल इकोनॉमिक्स इज़ अ वेरी वाइड टर्म. इट एनकम्पासेस अ लॉट ऑफ थिंग्स, बहुत सारे चीज़ उसमें आते हैं. आज का ये जो विषय है, हम उसको थोड़ा ईजी करने का ट्राई करते हैं, वही इसका पर्पस है. तो मेरा यही इसमें एफर्ट रहेगा कि हम ये जो टॉपिक को सिंपल करें. मैनेजरल इकोनॉमिक्स, सो मैनेजरल इकोनॉमिक्स क्या होता है, इसके पीछे डिसीशंस कैसे होते हैं और ये हमारे जीवन में कैसे इम्पैक्ट होता है, इस पे बात करेंगे. सो वी विल टॉक ऑन ऑल दीज एस्पेक्ट्स टुडे ऑन मैनेजरल इकोनॉमिक्स. सो वी हैव दिस चार्ट, आई विल टेक यू टू ऑल दीज एस्पेक्ट्स टुडे. इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट्स एंड प्रिंसिपल्स एंड थ्योरी ऑफ फर्म. सो मैनेजरल इकोनॉमिक्स में पहला हमारा जो विषय है, जो फर्स्ट इश्यू आता है, टर्म आता है, वो है इकोनॉमिक्स. सो व्हाट इज इकोनॉमिक्स, सो इकोनॉमिक्स क्या है, ये विषय पे हमें, वी शुड नो दिस, व्हाट इज इकोनॉमिक्स. सो इफ यू गो टू डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स इज अ सोशल साइंस डीलिंग विद सोसाइटी एज अ होल and human behavior in particular, and studies the production, distribution and consumption of goods and services. So what is economics? Economics एक social science है. Social science क्या होता है, जो human behavior को देखता है. So social science deals with human behavior. So इसमें हमने वही बताया, social science dealing with society and human behavior. Society means जो हम society में रहते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल एक सिटी में रहते हैं, एक तो सिटी में क्या क्या चीज़ हमें इम्पैक्ट करता है, ठीक है, वहाँ का रहन सहन, वहाँ का लाइफ स्टाइल, पीपल जैसे सोचते हैं, पीपल का बिहेवियर पैटर्न्स, पीपल जहाँ रहते हैं उनका जो वातावरण, ये इम्पैक्ट करता है. तो सोशल साइंस एज अ होल हमें अंडरस्टैंड करना है कि सोसाइटी में कैसा माहौल है, ह्यूमन बिहेवियर सोसाइटी में कैसा है, एंड इसमें इसका क्या उद्देश्य, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस. ठीक है, इसमें पर्पस है कि उनका जो नीड्स है, जो एक सोसाइटी में जो वेरियस इंडिविजुअल्स का लीड है, जो हम रहते हैं, इनका जो नीड्स है वो कैसे फुलफिल होता है. नीड्स कैसे फुलफिल होगा, फॉर एग्जांपल हमें कोई चीज़ चाहिए, फॉर एग्जांपल हम रहते हैं एक सोसाइटी में, तो हमें वेरियस FMCG आइटम्स चाहिए, हमें वेरियस सर्विसेज चाहिए. तो ये समझने के लिए कंपनीज कैसे उसको एड्रेस करते हैं, कैसे प्रोड्यूस करते हैं, तो ये जो मिलाप है, जो ट्यूनिंग है, ये समझना इम्पॉर्टेंट है. सो इकोनॉमिक्स ऐसा एक सोशल साइंस है जो आपको इस विषय में ले जाता है, इट टेक्स यू इनटू इट. सो दैट इज व्हाट वी हैव मेंशन, प्रोडक्शन जो कंपनीज करेगी, डिस्ट्रीब्यूशन जो कंपनीज करेगी, एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स. कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज कौन करेगा, जो इंडिविजुअल, जो हम कंज्यूमर्स है, जो हम सोसाइटी में रहते हैं. तो यही इकोनॉमिक्स का उद्देश्य है समझना. अभी यही यहां एक एग्जाम्पल दिया गया, द एग्जाम्पल ओवर हियर इज वेरी सिंपल ऑन दिस कंपनी यूजिंग इकोनॉमिक थ्योरी. सो कंपनी ये इकोनॉमिक्स कैसे यूज करती है, कंपनी फॉर एग्जाम्पल एक ई कॉमर्स कंपनी है, टेलीकॉम कंपनी है, पावर प्रोड्यूसर है, FMCG कंपनी है, तो एक कंपनी पहले क्या देखती है कि जो समाज में और सोसाइटी में ह्यूमंस, जो इंडिविजुअल्स कैसे बिहेव करते हैं, उनका क्या नीड्स है, उनका इकोनॉमिक नीड्स क्या है, उनका कंजम्पशन नीड्स क्या है, हमें FMCG आइटम्स चाहिए, हमें सर्विसेज चाहिए. अब ई कॉमर्स कंपनी का एग्जांपल लेंगे तो TV चाहिए, फ्रिज चाहिए, हमें वेरियस मोबाइल फोन्स चाहिए, हमारे रहने के लिए, एक लाइफस्टाइल के लिए. सो ई कॉमर्स कंपनी पहले एसेस करता है एंड देन बेस्ड ऑन दिस वो लोग डिसीशंस लेते हैं. सिमिलरली टेलीकॉम कंपनी, जो हमारा मोबाइल टेलीकॉम टावर है, जो वेरियस सर्विस प्रोवाइडर्स है, एयरटेल हो गया, वोडाफोन हो गया, व्हाट दे एसेस कि हमें कितना, फॉर एग्जांपल अभी माहौल ये है कितना डेटा यूज कर रहे हैं, कितना डिजिटल कर रहे हैं, तो ये वो लोग एसेस करते हैं टेलीकॉम कंपनीज. एंड बेस्ड ऑन दिस वो डिसीशन लेते हैं कि हमें कौन से एरिया में टावर लगाना है ताकि डेटा अच्छा आवे, सर्विस अच्छा होवे, जहाँ जहाँ हमें शॉप्स खोलना है ताकि वो पर्टिकुलर कंज्यूमर्स को, उनको सिम मिले. आजकल तो सिम के साथ मोबाइल फ़ोन भी देते हैं, तो वो दे एसेस कि यहाँ डिमांड है तो हमें ये सर्विसेज यहाँ देना है.
तो टेलीकॉम कंपनीज पावर प्रोड्यूसर्स पावर जनरेट करते हैं हमारे जो नेटवर्क्स के थ्रू, कहाँ कहाँ पावर चाहिए, मतलब जहाँ पावर डेफिशिएंट है जो जो एरियाज में, और जहाँ प्रोड्यूस हो रहा है वहाँ से मूव होता है। सो ये सब जो इकोनॉमिक थॉट्स है ये कंपनीज कैसे ले पाते हैं, बाय नोइंग द सोसाइटी, कहाँ नीड्स है, कहाँ कंज्यूमर को नीड्स है। तो सिमिलरली एफएमसीजी कंपनीज में सब कुछ आता है हमारा जो डे टू डे नीड्स में है, सोप्स हो गया, कॉलगेट हो गया, पेस्ट हो गया, एंड वेरियस खान पीन हो गया। इवन एफएमसीजी कंपनीज वो लोग प्रोड्यूस एक जगह करेंगे जहाँ कॉस्ट कम हो और देंगे जहाँ जहाँ नीड है, जहाँ जहाँ कंज्यूमर इनकम अर्न करता है। तो ये भी उनको समझने के लिए एफएमसीजी कंपनी दे यूज इकोनॉमिक्स। सिमिलरली नाउ मूविंग अवे फ्रॉम प्रोड्यूसर्स मैन्युफैक्चरर्स टू कंज्यूमर्स, जो कंज्यूमर्स हम लोग हैं, कंज्यूमर्स भी इकोनॉमिक्स यूज करते हैं एट अर्बन एरिया, रूरल एरियाज, स्टूडेंट, चिल्ड्रन, मैन, वुमेन, ये कैसे यूज करते हैं। अर्बन एरिया में फॉर एग्जाम्पल कंज्यूमर यूज करता है कि कहाँ मुझे कोई चीज़ सस्ता मिल रहा है, बट सर्विस वही है, प्रोडक्ट वही है। फॉर एग्जाम्पल हम ई कॉमर्स साइट पे जाते हैं, टीवी का ये रेट ई कॉमर्स में है और जो एक्चुअल स्टोर में जाएंगे तो ये रेट है। सो यहाँ पे जो अर्बन कंज्यूमर ही यूजेस हिज इकोनॉमिक थियोरी, वो ये रैशनैलिटी यूज करता है। सिमिलरली रूरल एरिया में उसको ग्रेन्स कहाँ से सस्ते मिल रहे हैं, फार्म इक्विपमेंट्स कहाँ से सस्ते मिल रहे हैं, गुड क्वालिटी के मिल रहे हैं, सो ये एक रूरल कंज्यूमर यूज करता है। स्टूडेंट यूज़ करता है कि कहाँ मेरा बुक्स मेरे को मिलेगा, मेरा बुक्स बराबर प्रिंटेड रहेगा, मेरे को सॉफ्ट कॉपी कहाँ बुक्स का मिलेगा। चिल्ड्रन यूज़ करते हैं, चिल्ड्रन के जो टॉयज़ है, जो आप जो एज ग्रुप 5 इयर्स 6 इयर्स, उनके जो साइकिल्स है कहाँ मिलेंगे, अच्छे क्वालिटी के कहाँ मिलेंगे, प्राइस कहाँ मिलेंगे। ऑब्वियसली चिल्ड्रन डिसीशन नहीं लेते, इनके पेरेंट्स लेते हैं डिसीशंस, बट इट इज़ इम्पैक्टिंग द चिल्ड्रंस। सिमिलरली मैन वुमेन, मैन का क्या है, हमारे जो क्लोदिंग्स है, अपेरल्स है, हमें कहाँ बेस्ट क्वालिटी मिलेगा। वुमेन सिमिलरली उनके अपेरल्स है, क्लोदिंग है, उनके जो नीड्स है ये कहाँ मिलेंगे। सो इकोनॉमिक थ्योरी इम्पैक्ट्स बोथ द प्रोड्यूसर्स एंड द कंज्यूमर्स, दैट इज द आइडिया इकोनॉमिक्स में। इकोनॉमिक्स के लिए कुछ बेसिक एजम्पशंस है, दो की बेसिक एजम्पशन, एक है रैशनैलिटी एंड सेकेंड इज सेट्री पेरिबस। रैशनैलिटी क्या है, कंज्यूमर्स मैन्युफैक्चर यूज कॉस्ट एंड बेनिफिट एस्पेक्ट्स बिफोर बाइंग और सेलिंग अ प्रोडक्ट और सर्विसेज। जैसे मैंने यहाँ बताया कि कंज्यूमर्स और मैन्युफैक्चरर्स रैशनल रहना चाहिए, मतलब नॉर्मल रहना चाहिए, मतलब एक कंज्यूमर अगर कोई प्रोडक्ट को लेता है तो ही शुड नो कि मुझे ये प्रोडक्ट चाहिए और इसका ये प्राइस है। ही विल बाई अ गुड क्वालिटी प्रोडक्ट एट अ वेरी रीजनेबल प्राइस, ही विल नॉट बाई अ बैड क्वालिटी प्रोडक्ट एट अ वेरी हाई प्राइस। तो ये इरेशनल हो गया। तो रैशनल वो चीज है जहां वो गुड क्वालिटी प्रोडक्ट ही विल बाय एट अ रीजनेबल प्राइस, लाइक एप्पल फोन और अ सैमसंग फोन, वॉट एवर इट इज, वो एक कुछ कम दाम में मिला, अच्छे क्वालिटी के, अच्छे स्पेसिफिकेशंस है, तो वो ये रैशनल बिहेव करेगा, तभी ये इकोनॉमिक थ्योरी चलेगा, नहीं तो ये थ्योरी नहीं चलेगा इकोनॉमिक थ्योरी। तो ये रैशनल रहे हुए। सिमिलरली मैन्युफैक्चरर्स दे ऑल्सो यूज रैशनैलिटी, मतलब नॉर्मल होना चाहिए। रैशनैलिटी वो लोग कैसे यूज करते हैं, कहाँ कंज्यूमर्स एक पर्टिकुलर पैटर्न में बिहेव करते हैं, कंज्यूमर्स का नीड्स फॉर एग्जाम्पल एफएमसीजी प्रोडक्ट्स के लिए है, तो ये अज्यूम करके कंज्यूमर्स का नीड्स है एफएमसीजी प्रोडक्ट्स के लिए, और वो मैन्युफैक्चर ये नहीं बोलेगा नीड्स नहीं है, तो वो रैशनल वो रैशनली जज करेगा ये चीज को। सो दैट इज वॉट इज रैशनैलिटी ओवर हियर। नेक्स्ट है सेट्री पेरिबस, ऑल अदर फैक्टर्स बीइंग द सेम। सेट्री पेरिबस इज ए लैटिन टर्म, ये लैटिन टर्म है, उसका सिंपल मीनिंग है अदर फैक्टर्स बीइंग द सेम, मतलब जैसे हमने बोला रैशनली बिहेव करता है, ठीक है। इफ प्राइस इज द डिसाइडिंग पॉइंट ऑन डिमांड देन कंज्यूमर इनकम टेस्ट एक्सेट्रा रिमेन्स द सेम। मतलब वो बोल रहा है कि अगर एक कंज्यूमर कोई चीज लेने जा रहा है तो अगर प्राइस के बेसिस पे वो डिसीजन लेता है कि जो सस्ता चीजें मैं लूंगा ये क्वालिटी में, तो जो अदर फैक्टर्स है कि उसका उसका इनकम नॉर्मल रह रहे, उसका टेस्ट नॉर्मल रह रहे, मतलब उसका जो नीड्स नॉर्मल रह रहे, ये सब नॉर्मल रह रहे, तो प्राइस विल बी द डिसाइडिंग फैक्टर, अदर फैक्टर्स विल बी द सेम। सो दैट इज द आइडिया ओवर हियर। तो इसमें हमने कवर किया इकोनॉमिक्स क्या है, इकोनॉमिक्स का बेसिक एजम्पशंस क्या है विद एग्जांपल्स। हम नेक्स्ट पे जा रहे हैं,
which is understanding economics first leads to knowing what is economic activity and economic decision. दो चीज हमारा होता है, economic activity और economic decisions. इकोनॉमिक समझने से हमें टू चीज पे आता है कि इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या है और इकोनॉमिक डिसीजंस क्या है. इकोनॉमिक एक्टिविटी का डेफिनेशन ये है, मैन्युफैक्चर डिस्ट्रीब्यूशन बाय कंपनी और परचेज बाय द कंज्यूमर. और इकोनॉमिक डिसीजंस इज ऑल काइंड्स ऑफ इकोनॉमिक डिसीजंस. इकोनॉमिक एक्टिविटी हमने समझ लिया, कंज्यूमर्स का क्या एक्टिविटी होता है, प्रोड्यूसर्स का क्या एक्टिविटी है व्हाइल डिफाइनिंग इकोनॉमिक्स. अभी हम क्योंकि मैनेजर इकोनॉमिक्स में हम नैरो जाते हैं, पहले इकोनॉमिक समझते हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटी क्या समझते हैं और नैरो जाते हैं, फिर इकोनॉमिक डिसीजंस क्या है समझ लेते हैं. इकोनॉमिक्स बहुत वाइड टर्म है, इसको हम नैरो कर रहे हैं समझ के इनके टर्म्स. इकोनॉमिक डिसीजंस क्या होते हैं ये हमने यहां बताया है, इसको एक सिंपल वे में बताया है, एक मैन्युफैक्चरर और एक सर्विस प्रोवाइडर्स के नजरिए से देखते हैं. वी विल लुक फ्रॉम अ मैन्युफैक्चरर सर्विस प्रोवाइडर्स व्यू पॉइंट. सो इफ आई एम अ मैन्युफैक्चरर एंड आई हैव टेक अ इकोनॉमिक डिसीजन, मुझे एक डिसीजन लेना है कि मैं क्या मैन्युफैक्चर करूं, तो मैं कैसे आगे जाऊंगा, मेरा नेक्स्ट स्टेप्स क्या रहेगा. तो फर्स्ट है व्हाट टू प्रोड्यूस. तो कोई एक कंपनी है वो अंडरस्टैंड करेगी उसे क्या बनाना है, नहीं तो क्या सर्विस देना है मार्केट में. ऑब्वियसली जो कंज्यूमर्स का फीडबैक आता है, कंज्यूमर्स को क्या चाहिए वही वो बनाएगा. बट व्हाट टू प्रोड्यूस ये अंडरस्टैंड उसको करना जरूरी है. और ये क्यों करता है, ये ही टेक्स अ इकोनॉमिक डिसीजन टू अर्न अ प्रॉफिट और टू अर्न अ रेवेन्यू. ये उसका ऑब्जेक्टिव है, उद्देश्य. उसको सेकेंड देखना है हाउ टू प्रोड्यूस. उसने डिसाइड कर लिया व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या हमें बनाना है, एक प्रोडक्ट बनाना है. अब ये प्रोडक्ट कैसे बनाएगा, कहाँ उसको कॉस्ट बेनिफिट है, फॉर एग्जाम्पल कहाँ उसको अवेलेबल ऑफ स्टाफ है, अवेलेबल ऑफ मैन पावर है, तो मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन कहाँ होगा और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस कहाँ रहेगा, ये दो फैक्टर्स आते हैं. अभी फॉर एग्जाम्पल मैं मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन वहाँ रहूँगा, वहाँ जहाँ मेरे को स्टाफ मिलते हैं, जहाँ मेरे को पीपल मिलते हैं टू वर्क इन दी फैक्ट्रीज, टू वर्क एट द साइट्स, तो मुझे पीपल चाहिए. तो ऑब्वियसली वो वही प्लांट लगाएगा, वही अपना सर्विस सेक्टर रखेगा जहाँ उसको मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन गवर्नमेंट हेल्प करेगा, लैंड ईजिली मिलेगा. इसमें काफ़ी फैक्टर्स है, लैंड ईजिली मिलेगा, गवर्नमेंट का सपोर्ट रहेगा, टैक्स बेनिफिट्स रहेगा. सो टुडे के वर्ल्ड में आप देखोगे तो SEZs है, तो SEZs में क्या है, आपको टैक्स बेनिफिट देता है गवर्नमेंट, तो इसमें कॉस्ट कम होता है एंड द कंपनी कैन ऑफर मोर बेनिफिट टू द कंज्यूमर. तो मैन्युफैक्चरिंग लोकेशन डिसीजन लेना इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट विद अ मैन्युफैक्चरर हैज टू थिंक. तो ये हाउ टू प्रोड्यूस, लोकेशंस कौन सा है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस फॉर एग्जाम्पल मैंने प्रोडक्ट बना दिया, मैंने बिस्किट्स बना दिए, मैंने सोप्स बना दिए, बट वो बना के अपने प्लांट में तो नहीं रख सकता. आई हैव टू ब्रिंग टू द मार्केट जहाँ जहाँ कंज्यूमर्स रहते हैं, वेयर दे लिव. सो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस वहाँ होना चाहिए, उनको लॉजिस्टिक सपोर्ट चाहिए, ट्रक्स अरेंज करना है, ट्रेन अरेंज करना है, वॉट एवर लॉजिस्टिक सपोर्ट है उनको मैनेज करना है और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस में लाना है. डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस से वो रिटेलर्स के पास जाएगा और कंज्यूमर्स पे आएगा. तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फैक्टर. तो एक FMCG कंपनी डिसाइड करके इंडिया में कहाँ कहाँ मैं अपना डिस्ट्रीब्यूशन ऑफिस रखूँ, एस्पेशली ई कॉमर्स कंपनीज इसी पे चलती है, उन्होंने डिसाइड किया कहाँ कहाँ मेरे वेयर हाउसेज हैं ऑल ओवर इंडिया, की एरियाज में रखेंगे, वहाँ से मेरा लॉजिस्टिक्स कॉस्ट कम है. तो ये डिसीजन के बेसिस पे ही अपना इकोनॉमिक एक्टिव डिसीजंस ले सकते हैं. फॉर होम टू प्रोड्यूस, होम टू प्रोड्यूस का ये क्वेश्चन आता है. तो टारगेट कंज्यूमर्स वेयर लोकेटेड, टारगेट कंज्यूमर्स वेरी इंपॉर्टेंट है. फॉर एग्जाम्पल मैं एक बेबी प्रोडक्ट बनाता हूँ, तो मैं टारगेट कंज्यूमर्स कहाँ है, मेरे मेजर बेबीज कहाँ है, उनके नीड्स क्या है, उनके प्राइस पॉइंट्स क्या है. मैं अगर बुक्स बनाता हूँ, किताब बनाता हूँ, स्टेशनरी बनाता हूँ, तो कहाँ कहाँ मेरे लोकेशंस में नीड है, कहाँ कहाँ बहुत सारे स्कूल्स है, बहुत सारे पाठशालाज है, वहाँ मैं टारगेट ऑडियंस जाऊँगा. अगेन वहाँ कॉम्पिटिशन क्या है, बहुत सारे कॉम्पिटिटर्स है, तो वो मार्केट में मैं कितना जाऊँगा, कितना मैं अपने अपने टैक्टिकली यूज़ करूँगा, अपने प्रोडक्ट्स वहाँ रखूँगा. जहाँ कॉम्पिटिशन नहीं है बट नीड है तो वहाँ मैं ज़रूर रहूँगा. देयर द मैन्युफैक्चरर विल कीप हिज that the manufacturer will approach the target consumers. So target consumers where located, उनको needs फटाक से मिल quickly मिल रहा है कि नहीं, ये भी एक वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर है. आर रिसोर्सेज यूज इकोनॉमिकली, इसके बाद आता है
व्हेन आई हैव टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट द रिसोर्स मैं यूज करता हूँ वो हमें अवेलेबल है, इकोनॉमिकली मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल हम लोग स्टील प्रोड्यूस कर रहे हैं तो हमें रॉ मटेरियल मिल रहा है कि नहीं बनाने के लिए स्टील का, तो आयरन ओर मिल रहा है, पावर के लिए हमें लिग्नाइट है तो कोल मिल रहा है, ये कहाँ मिल रहा है, एट व्हाट प्राइस पॉइंट, मतलब कितने क्या कॉस्ट में मिल रहा है। बहुत महंगा रहेगा तो फिर डिफिकल्ट है चलाना मैन्युफैक्चरर को, तो प्राइस पॉइंट्स रीजनेबल होना चाहिए, गवर्नमेंट सपोर्ट होना चाहिए प्राइस पॉइंट्स पे, तो ये आपको रॉ मटेरियल वहाँ मिलेगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्किल्ड पर्सन अवेलेबिलिटी, स्किल्ड पर्सन वहाँ अवेलेबल है, उनके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट करना है, दे विल बी सपोर्टिंग यू, तो उन्हें हर एक सपोर्ट देना है। अभी स्किल स्टाफ मतलब ही शुड हैव द रिक्वायर्ड बैकग्राउंड, उनको वो एक्सपीरियंस होना चाहिए, उनका वो स्टडीज़ वो होना चाहिए, अगर वही लोकेशन में है तो बढ़िया है, तो वी गेट देम फ्रॉम समवेयर एल्स एंड टेल देम टू बी ओवर देयर एंड हेल्प इन द रिसोर्स एस्पेक्ट। आर रिसोर्सफुली यूज्ड, एक बार हमने डिसाइड कर लिया कि क्या प्रोड्यूस करना है, रॉ मटेरियल कहाँ से है, स्टाफ है, अभी स्टाफ आके जो हमारा प्रोडक्शन होता है स्टाफ फुली यूज होना है, आइडल नहीं बैठना है, उनसे हमें उनसे वर्क होना है। सो दैट ऑल्सो इज अ डिसीशन मेकिंग ओवर हियर। इज द इकोनॉमी ग्रोइंग, कंज्यूमर्स जिसके लिए हम प्रोडक्ट्स बना रहे हैं वो तभी रहेंगे जब उनका इनकम लेवल्स रहेगा। सो इनकम लेवल्स तभी रहेगा जब उनके पास कोई बिजनेस रहेगा, उनके पास कोई जॉब रहेगा। तो इकोनॉमिक ग्रो मतलब अगर ये सब अच्छा चल रहा है, इकोनॉमिक ग्रो हो रहा है, तभी एक मैन्युफैक्चरर अपना कॉल लेगा इन्वेस्ट करने का। ई कॉमर्स फर्म्स आए हैं, हमारा डेटा पैक ज़्यादा मिल रहा है हमें, क्योंकि दीज कंपनीज सी लॉट ऑफ पोटेंशियल इन दिस कंट्री, सो वो लोग इन्वेस्ट करते हैं। तो इसमें दो फैक्टर्स आता है, इज कंज्यूमर इनकम ग्रोइंग, यस इट इज़ ग्रोइंग, और कैपिटल इन्वेस्टमेंट अंडरटेकन बाय कंपनीज। सो अगर इनकम इज ग्रोइंग, सो दीज कंपनीज इन्वेस्ट करते हैं अपने प्लांट पे, पीपल पे, सो दिस इज ऑल्सो फैक्टर टेकन फॉर अ इकोनॉमिक डिसीजन। सो इन दिस वी कवर्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी जो हमने डिसाइड किया एंड डिसीशंस जो लेते हैं। नेक्स्ट आता है इकोनॉमिक प्रिंसिपल्स रिलेवेंट टू मैनेजर इकोनॉमिक डिसीशंस। हमने इकोनॉमिक समझ लिया, इकोनॉमिक एक्टिविटी समझ लिया, इकोनॉमिक डिसीशन समझ लिया। अभी जब हम इकोनॉमिक डिसीशंस लेते हैं तो कौन से चीज़ इंपॉर्टेंट होते हैं एक मैन्युफैक्चरर्स को और एक कंज्यूमर्स को, उसको हमने लिस्ट डाउन किया है। बी है, सी एंड डी, देर आर फोर फैक्टर्स जो एक्चुअली एक टूल बोल सकते हैं इन अंडरस्टैंडिंग कि हम ये कैसे करें। फर्स्ट इज कॉन्सेप्ट ऑफ स्कैर्सिटी। कॉन्सेप्ट ऑफ स्कैर्सिटी का क्या डेफिनेशन हम ये पढ़ लेते हैं, कंपेयर रिसोर्सेज विद डिमांड फॉर रिसोर्सेज। सो इफ यू टेक एन एग्जाम्पल ऑफ अ मोबाइल हैंडसेट डिमांड, इफ मोबाइल हैंडसेट डिमांड इज मोर देन मोबाइल हैंडसेट सप्लाइड, सो सप्लाई इज लेस देन द डिमांड, मतलब सप्लाई है नहीं, तो स्कैर्सिटी ऑफ सप्लाई, तो सप्लाई कम है, लीड्स टू मोर इन्वेस्टमेंट बाय द कंपनी टू प्रोड्यूस। सो हम कॉन्सेप्ट ऑफ स्कैर्सिटी कहाँ आता है, जब कोई चीज़ का डिमांड है बट सप्लाई नहीं है, तो एक मैन्युफैक्चरर इन्वेस्ट करेगा टू गेट दिस टू दिस लेवल, सो वहाँ वो अपना रेवेन्यू कमाएगा। सो ये वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एज अ डिसीशन मेकिंग फॉर अ मैन्युफैक्चरर, कि जहाँ वो स्कैर्सिटी देखता है, हाउ ही लुक्स एट द गैप, जो कहाँ उसे वो फिल करना है। स्कैर्सिटी वही है, इट इज़ नॉट अ बिग कॉन्सेप्ट, जहाँ उसे गैप फिल करना है। इसको ही मैं अगेन आई विल पुट इट वेरी डिफरेंट वे, जो अभी हम फेल देख रहे हैं, मैं ऑपोजिट केस इन कोविड, स्कैर्सिटी ऑफ डिमांड फॉर रेल हेलिंग कैब्स ओला हैज़ लेड टू लेस सप्लाई ऑफ रोड्स बिकॉज ऑफ फियर, हमारा कैब्स हम यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो उसमें क्या हुआ है, लेस सप्लाई ऑफ कैब्स हो गया है। तो इसमें क्या होता है, मैन्युफैक्चरर विल नॉट टेक अ डिसीजन टू इन्वेस्ट, ही विल पुल बैक द इन्वेस्टमेंट, ही विल होल्ड ऑन हिज इन्वेस्टमेंट। सो स्कैर्सिटी ऑफ डिमांड और सप्लाई इज अ की फैक्टर फॉर द मैन्युफैक्चरर और फॉर द प्रोड्यूसर और फॉर दैट मैटर द ओनर ऑफ द कंपनी टू टेक अ डिसीजन, अगेन एक इकोनॉमिक डिसीजन। ओके, सो दिस वन ऑफ द कॉन्सेप्ट ऑफ स्कैर्सिटी। देर आर मेनी सच एग्जाम्पल्स, वी आर जस्ट टेकिंग कपल ऑफ एग्जाम्पल्स to cover both the aspects where demand is more and where sometimes supply is more. Okay. Next है concept of opportunity cost.
इसका डेफिनेशन ये है, बेनिफिट्स एंड कॉस्ट एस्पेक्ट टू बी कंसिडर्ड बिफोर सिलेक्टिंग बिटवीन टू ऑल्टरनेटिव्स. सो व्हाट वी आर ट्राइंग टू से इज, फॉर एनी पर्सन, फॉर एग्जाम्पल मैं एक कंज्यूमर हूँ फॉर एग्जाम्पल, सो आई विल कंसिडर टू एस्पेक्ट्स, व्हाट द बेनिफिट्स आई एम गेटिंग एंड व्हाट इज द कॉस्ट आई इनकर बिफोर सिलेक्टिंग एन ऑल्टरनेटिव. मेरे पास दो ऑप्शन है. एग्जाम्पल एक लेते हैं, स्मार्टफोन, एप्पल मोबाइल फोन. कॉस्ट इज हाई बट क्वालिटी इज हाई एंड ग्रेटर वैल्यूएशन ऑन द स्टॉक मार्केट एंड वन ऑफ द बिगेस्ट ब्रांड्स. सो जो एप्पल फोन के मैन्युफैक्चरर्स है, दे नो कि उनका प्रोडक्ट का प्राइस हाई है, बट दे इवन नो कि इसका जो प्रोडक्ट है इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट सिक्योरिटी वाइज, कैमरा वाइज, पिक्चर क्वालिटी, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट. अगेन वायरस एस्पेक्ट्स वेरी वेरी लेस, बग्स लेस है. सो वो कौन से प्राइस पॉइंट में इसको लाता है? ही मे हैव अ फियर कि कल हमारा प्रोडक्ट चलेगा ही नहीं, बट ही नोज हिज प्रोडक्ट वेरी वेल. तो वो एक रिस्क लेता है यहाँ पे कि कॉस्ट इज हाई बट क्वालिटी इज ऑल्सो वेरी हाई. इसकी वजह से उसका प्रोडक्ट चला है, पीपल ने एक्सेप्ट किया है, कंज्यूमर ने एक्सेप्ट कर दिया, विद द बिगेस्ट ब्रांड्स. सो इसके वजह से उसको बेनिफिट मिला है, उसको ग्रेटर स्टॉक मार्केट वैल्यूएशंस मिले हैं, बिगेस्ट ब्रांड हो गया है, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट वर्किंग ब्रांड्स. सो ऐसे जहाँ पे क्वालिटी इज़ वेरी हाई, वी हैव मेनी एग्जाम्पल्स. यू हैव फॉर एग्जाम्पल कार्स है, जो हमारे मर्सिडीज हाई एंड कार्स है और एक मीडियम कार्स है. नोवेयर आर वी सेइंग कि एक प्रोडक्ट जो मीडियम है दैट इज़ नॉट गुड क्वालिटी. यही है कि वो कौन सा प्राइस पॉइंट में क्वालिटी देखता है. बहुत हाई प्राइस पॉइंट है वो क्वालिटी देखता है. सो दिस इज जस्ट द वे ऑफ एनालाइजिंग द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट फॉर द मैन्युफैक्चरर. तो ये वो ये फैक्टर यूज करता है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, अपना प्राइस पॉइंट रखने को और अपना हाई क्वालिटी बेचने को. एप्पल फोन के सामने अगर मैं चाइनीज मोबाइल फोन देखता हूँ, कॉस्ट इज लेस बट क्वालिटी रीजनेबल, क्वालिटी इज नॉट बैड, मतलब आज आपने फोन लिया तो कल खराब हो ऐसा नहीं है. लाइफ ऑफ द फोन इज लेस, ठीक है, साल दो साल के बाद यू मे हैव इश्यूज, उसमें कोई बटन नहीं चलेगा, स्क्रीन इश्यूज होगा, जो भी है, बट ओके, एप्पल फोन जैसा लाइफ नहीं उसमें एक्सपेक्ट करता मेजॉरिटी में. ब्रांड एंड वैल्यूएशन नॉट लाइक एन एप्पल फोन. उसका मैन्युफैक्चरर के लिए जो बनाता है, जो ओनर है वो ब्रांड का, उसको ब्रांड और जो मार्केट वैल्यूएशन है वो उसको एप्पल फोन के जैसा नहीं मिलेगा. जैसे मैंने अदर एग्जाम्पल बताया, इसमें कार्स हो गया, क्लोदिंग, हाई एंड क्लोदिंग्स है, शूज़ है, हाई एंड शूज़ है, से बहुत सारे FMCG प्रोडक्ट्स है. सो अगेन दिस कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपर्चुनिटी कॉस्ट इज यूज्ड बाय द मैन्युफैक्चरर प्रोड्यूसर टू डिसाइड ऑन द प्राइस पॉइंट फॉर हिज वैल्यू, फॉर द वैल्यू ही इज गिविंग टू द कंज्यूमर्स. सो दैट इज द आइडिया ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. दो हमने देख लिए उसमें. थर्ड है इंक्रीमेंटल कॉस्ट, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू. इंक्रीमेंटल कॉस्ट, इंक्रीमेंटल रेवेन्यू. इंक्रीमेंटल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन इंक्रीमेंटल कॉस्ट देन कंपनी शैल प्रोड्यूस एंड सेल द प्रोडक्ट. एग्जाम्पल, वेल नोन इंडियन बिजनेस हाउस डिसाइड्स टू सेल प्रोडक्ट्स ऑनलाइन इफ इंक्रीमेंटल रेवेन्यू इज ग्रेटर देन इंक्रीमेंटल कॉस्ट. सो जो मेरा रेवेन्यू आता है, कॉस्ट आता है. एक फॉर एग्जाम्पल एक आपका है, एक क्लोदिंग कंपनी है, फॉर एग्जाम्पल टाटास, वो ऑलरेडी क्लोथ्स बेचते हैं ट्रेंड के थ्रू. ओके, टुमारो बिकॉज दे सी डिमांड इन ऑनलाइन ई कॉमर्स साइट्स, सो दे ऑल्सो वॉन्ट टू गो ऑनलाइन. ओके, सो हाउ डू दे डू इट? वो लोग कैसे डिसीशंस लेंगे? वी आर ऑन इकोनॉमिक डिसीशंस, सो हाउ डू दे टेक डिसीशंस? तो वो लोग देखते कि मैंने ई कॉमर्स साइट पे इन्वेस्ट किया, जैसे मैंने ऑनलाइन मैंने साइट्स बनाए, मैंने हर एक प्रोडक्ट को लोड किया, मैंने बैक हैंड्स प्रिपेयर किया, वेयरहाउसेस प्रिपेयर किया, और इसका कॉस्ट किया है. तो रेवेन्यू तभी आएगा जब कंज्यूमर्स का डिमांड रहेगा, विच दे नो. सो इफ दैट रेवेन्यू इज मोर देन द इंक्रीमेंटल कॉस्ट, दे विल टेक द इकोनॉमिक डिसीजन टू गो फॉर ऑनलाइन सेल्स. सो दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पैरामीटर इन टेकिंग इकोनॉमिक डिसीजंस. अगेन एक्सपोर्ट ऑर्डर, आई एम अ वेल नोन कंपनी, मेरा जो प्लांट है मेरे लिए प्रोडक्ट्स बना रहा है, ठीक है, बट मेरे प्लांट में थोड़ा कैपेसिटी बचा है, तो मैं उसमें प्रोडक्ट्स बनाऊंगा. मेरा एक्सपोर्ट ऑर्डर मिल रहा है मुझे, आई कैन टेक द ऑर्डर एंड एक्सपोर्ट कर सकता हूँ. उसमें मेरे को ज़्यादा कॉस्ट नहीं है क्योंकि मेरे प्लांट में कैपेसिटी है थोड़ा.
सो मेरा प्लांट फॉर एग्जांपल 1000 यूनिट्स बनाता है और मैं डोमेस्टिक मार्केट में 800 यूनिट्स बेच सकता हूँ, सो मैं 800 प्रोड्यूस करूँगा। एक्सपोर्ट ऑर्डर मेरे को 100 यूनिट्स का एक्स्ट्रा मिला, आई कैन टेक द डिसीजन क्योंकि मुझे कैपेसिटी है और मेरा कोई इंक्रीमेंटल कॉस्ट नहीं है और इंक्रीमेंटल रेवेन्यू आ रहा है अगेन। सो दिस इज ऑल्सो एक्सपोर्ट ऑर्डर इज अ वेरी गुड एग्जाम्पल फॉर अ डोमेस्टिक कंपनी। डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल, डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट क्या है और कहाँ यूज होता है, ये दो एस्पेक्ट आते हैं, टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सो डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल इज वैल्यू हैव टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जहाँ आपको मनी चाहिए, पैसा चाहिए एज ऑफ टुडे। सो व्हाट इज से रुपी वन आफ्टर वन ईयर इज वर्थ टुडे एज 0.91। ओके, एक साल के बाद जो आपको एक रुपया मिलने वाला है वो आज 91 पैसा है 10% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से। टुडे द इंटरेस्ट रेट्स आर नॉट 10%, 9.5%, बट फॉर एग्जाम्पल वी आर सेइंग। ये क्यों है, इंटरेस्ट रेट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर इन डिसीजन मेकिंग फॉर मैन्युफैक्चरर्स। मैन्युफैक्चरर्स बिजनेस कर रहे हैं तो उनको इन्वेस्टमेंट करना है, पैसा लेना है और पैसे पे हम लोग को इंटरेस्ट, पैसा ब्याज पे लगता है। सो देयर इज अ कैरिंग कॉस्ट फॉर द कैपिटल विद जो इन्वेस्ट पैसा लेते हैं। सो वो अपने को टाइम वैल्यू बताता है। इसका यूज कहाँ है, डिस्काउंटिंग इज नीडेड बिकॉज ऑफ अनसर्टेनिटी ऑफ द फ्यूचर। सो टुडे एक वेंडर हूँ मैं, मैंने कंपनी को अपने सामान सप्लाई किया, कंपनी ने बोला मैं आपको पैसा तीन महीने के बाद दूंगा, क्रेडिट पीरियड है, दो महीने के बाद दूंगा। और एज अ वेंडर जो मैंने सामान सप्लाई किया, फॉर एग्जाम्पल मैंने उसको को रॉ मटेरियल सप्लाई किया, मैंने को इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट सप्लाई किया, मुझे मैंने सामान तो दे दिया, मेरा पैसा लग गया, बट टुडे मुझे वो पैसा चाहिए तो मैं बैंक के पास जाऊंगा। सो बैंक को मैं बोलूंगा कि मेरा ये बिल्स है जो मैंने सप्लाई कर दिया है मेरे क्लाइंट को, पैसा तीन महीने के बाद आएगा, तो क्या आप मुझे पैसा आज दे सकते हो। बैंक्स का ये सर्विसेज है, दे गिव। तो वो लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट फैक्टर निकाल के जो एक रुपया, फॉर एग्जाम्पल 10,000 रुपीज जो वो लोग जिनको तीन महीने के बाद मिलने वाला था, दे विल गिव इट देम टूडे एट 90% ऑफ दैट, सो 9,000 रुपीज उनको दे देंगे। सो बेनिफिट क्या है इसमें, मेरा तब का पैसा आज मिल गया मुझे, अगर मैंने वापस बैंक में रख दिया इंटरेस्ट में तो मेरा 10% इंटरेस्ट के बाद तीन महीने के बाद वो मेरे को रिटर्न मिल जाएगा। सो बट मेरा क्या है, रिस्क जीरो हो जाता है, पैसा आज मिल जाता है, आई कैन अगेन इन्वेस्ट इन माई बिजनेस, आई कैन अर्न ग्रेटर प्रॉफिट्स। सो दैट इज द रीजन एक्सपोर्टर्स और बिजनेसमैन डिस्काउंट देयर ट्रेड बिल्स हेल्प्स टू बेटर देयर कैश फ्लोस। सो दिस इज वन ऑफ द डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल्स यूज्ड। सो अगेन इकोनॉमिक डिसीजन, अगर मैं रिकैप करूँ तो कॉन्सेप्ट ऑफ स्कैर्सिटी, कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इंक्रीमेंटल कॉस्ट, इंक्रीमेंटल रेवेन्यूज, डिस्काउंटिंग प्रिंसिपल, फोर फैक्टर्स है विच इज अ की फैक्टर्स इन डिसीजन मेकिंग, इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग। नाउ हमने इकोनॉमिक समझा, इकोनॉमिक एक्टिविटी समझा, इकोनॉमिक डिसीजन मेकिंग समझा, टूल्स जो यूज किए इकोनॉमिक्स में वो हमने समझा। सो वी हैव कवर्ड द होल इकोनॉमिक पैरामीटर फ्रॉम अ ब्रॉड लेवल, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक डिसीजंस, टूल्स क्या है। इससे हम हटके जा रहे हैं जो हमने बात किया कंपनीज और कंज्यूमर्स पे, मेन कंपनीज हैं, कंज्यूमर्स तो आप कैटेगराइज कर सकते हो, हम कंपनीज में फोकस करते हैं। कंपनीज में फोकस करना इसलिए ज़रूरत है क्योंकि अपना जो गवर्नमेंट और रेगुलेशंस कंपनीज का फॉर्म अलाउ करता है, वेरियस फॉर्म्स। कंपनीज मतलब सिंपल है, जो प्रोड्यूसर्स है, जो मैन्युफैक्चर ऑफ प्रोडक्ट्स है, जो एक्चुअली इकोनॉमिक एक्टिविटी कैरी करते, दे आर वन पोर्शन ऑफ द इकोनॉमिक एक्टिविटी मैन्युफैक्चरर्स, अदर पोर्शन इज द कंज्यूमर्स, तब तो पूरा इकोनॉमिक एक्टिविटी चलता है, बिजनेस जो चलता है। सो वी आर फोकसिंग ऑन द थियोरी ऑफ फर्म, फर्म मतलब द पीपल हु प्रोड्यूस, द मैन्युफैक्चरर्स कैन बी कैटेगराइज अंडर 3 to 4 कैटेगरीज। फर्स्ट इज सोल प्रोप्राइटर, देन इज पार्टनरशिप, कंपनी के अंदर प्राइवेट और पब्लिक आता है, और कॉपरेटिव्स। ओके, सो दीज आर दी फोर एस्पेक्ट्स। सो लेट अस गो टू ईच ऑफ देम टू अंडरस्टैंड कि विच पर्टिकुलर
firm or firm model should be used whereby it is advantage to the manufacturer. Okay, sole proprietorship. Sole proprietorship kya hai? He is a single owner, uses own skill, solely responsible for results, profits or loss, not shared. अभी सोल प्रोप्राइटर कौन कौन है? नॉर्मल जो दुकान अपना लगाता है, उसके बाद अपना पैसा है, ही हैज़ हिज ओन कैपिटल, फॉर एग्जांपल 5 lakhs, 10 lakhs, 15 lakhs, उसने अपने बिजनेस में लगा दिया, उसने प्रोडक्ट्स खरीदे मार्केट से और उसको बेचा. सो ये सोल प्रोप्राइटरशिप है. इसमें क्या है, कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं है ज़्यादा. मेरे पास जगह है, मैंने दुकान लगा दिया, मेरे को पता है 3-4 मेरे कॉन्टैक्ट्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर सामान लेके लगा दिया. इसमें एग्जांपल्स आते हैं, किराना का दुकान, कोई डिस्ट्रीब्यूटर हो गया, ठीक है. कैपिटल नीडेड भी आपका लिमिटेड, आप जानते हो मैं इतना पैसा लगा सकता हूँ और मेरे को इतना रिटर्न आना है, मोटा वी कैन एस्टिमेट. सो हम वही बोल रहे हैं, इज अ सिंगल ओनर, खुद अकेला है, अपने स्किल्स यूज़ करता है, अपने नेटवर्क्स यूज़ करता है, सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर रिजल्ट, वो मेहनत करता है अपने लिए, वो प्रॉफिट्स बनाता है, प्रॉफिट और लॉस नॉट शेयर्ड, खुद के लिए रखता है. मे बी ही विल गिव सैलरी टू हिज वर्कर्स, जो है बोनस दिया वो है. ओके, एडवांटेज क्या है इसमें? इजी टू स्टार्ट, इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटीज नहीं है, रेगुलेशंस नहीं है, फॉर्म्स नहीं भरने हैं, कंप्लायंसेस नहीं है, लेस कंप्लायंस, अनडिवाइडेड प्रॉफिट्स, प्रॉफिट्स अपने पास ही है, सीक्रेट ऑफ ट्रेड नॉट शेयर्ड. सीक्रेट ऑफ ट्रेड नॉट शेयर्ड मतलब एग्जांपल है फूड इंडस्ट्री है. फूड इंडस्ट्री में कोई एक फूड है जो बहुत टेस्टी और मार्केट में बहुत चलता है. सो ये जो फूड वो जो ओनर है वो शेयर नहीं करेगा अपना सीक्रेट्स, तो क्योंकि वो खुद ही बना रहा है, खुद ही बेच रहा है, तो सीक्रेट्स नहीं शेयर करेगा. कोई स्पेशल आइटम बना रहा है, फॉर एग्जांपल सॉफ्टवेयर बना रहा है, वो मेनी अ टाइम्स अपना खुद का सॉफ्टवेयर का आइडिया नहीं बताएगा, इसका आउटपुट क्या है, पीछे के कोड्स नहीं बताएंगे. सॉफ्टवेयर छोड़ने भी सोल प्रोप्राइटरशिप हो सकते हैं, दो टुडे वी हैव कंपनीज बट सोल प्रोप्राइटर हो सकते हैं. क्विक डिसीजंस, क्विकली वो डिसाइड कर सकता है, कुछ के लिए डिसीजंस ले सकता है. पर्सनल टच टू कंज्यूमर्स, जो मालिक है, जो ओनर है, वो खुद ही मिल सकता है कंज्यूमर्स से, समझ सकता है उसको क्या चाहिए, क्या प्रोडक्ट चाहिए, तकलीफें कहाँ है. आफ्टर सेल्स में सेल सर्विस खुद ही देगा. जैसे हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर है, कंप्यूटर स्पेयर पार्ट्स है, मेनी स्मॉल शॉप्स, मोबाइल सर्विस कंपनीज, छोटे छोटे जो अपना मोबाइल ख़राब होता है तो हम जाते हैं, तो पर्सनल टच रहता है ऐसे सब में. डिसएडवांटेज, नो सेपरेट लीगल एंटिटी, एंटिटी नहीं है लीगल एंटिटी. लीगल एंटिटी नहीं होने से क्या है, हमें बड़ा कैपिटल चाहिए, बड़ा बिजनेस करना है, बड़ा रिस्क लेना है, सो वो नहीं पॉसिबल है इसमें. अनलिमिटेड लाइबिलिटी, कल लॉस हुआ, मैंने पैसा डाला, लॉस हुआ, तो मैंने जो लोन लिया है, जो मैं वो सब मेरे पे ही आएगा, सो आई हैव टू रीपे दैट, आई हैव टू रीपे इफ आई हैव, और नहीं तो आई हैव टू सेल समथिंग टू रीपे इट. तो ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी है. डिफिकल्टी इन ऑब्टेनिंग फंड्स एट लो कॉस्ट, सोल प्रोप्राइटर विजिबल नहीं है. विजिबल हम कहना क्या चाहते हैं, आप वो लोकेलिटी में ही हो, नहीं तो आप वो एरिया में, ज्यूरिसडिक्शन में हो, यू आर नॉट ऑन अ नेशनल बेसिस, ग्लोबल बेसिस. तो डिफिकल्टी, तो इसमें क्या होता है, मैं कोई फंडिंग के लिए जाता हूँ, तो टुडे देयर आर 2-3 फॉर्म ऑफ फंडिंग. एक तो बैंक्स फंड करती है ब्याज पे, एक है इक्विटी फंडिंग बोलते हैं, जहाँ हम लोग इन्वेस्टर्स आते हैं, दे सी अपॉर्चुनिटी इन द बिजनेस, उनको तो आप पता ही नहीं, तो हाउ विल दे फंड यू? ऑब्वियसली देयर आर रिलेशनशिप है, नेटवर्क से वो यूज़ कर सकते हैं, बट विजिबिलिटी नहीं है. तो फंडिंग का अमाउंट आपका क्विकली नहीं आता है, बड़े अमाउंट्स नहीं आते, तो ये एक डिसएडवांटेज है इसमें. एग्जांपल्स, रेस्टोरेंट्स, किराना शॉप, मिल्क शॉप, स्वीट शॉप, मोबाइल रिपेयर शॉप्स, लैपटॉप स्मॉल रिपेयर शॉप्स, ये सब आ जाते हैं इसमें एग्जांपल्स में. सोल प्रोप्राइटरशिप, देन ए पार्टनरशिप. पार्टनरशिप है जो सोल प्रोप्राइटरशिप नहीं है. टू और मोर पर्सन डिसाइड टू स्टार्ट अ कंपनी बिजनेस, पार्टनरशिप डीड इज क्रिएटेड एज एन एग्रीमेंट. इसमें पार्टनरशिप डीड होता है, एक ऑफिशियल क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट का जो स्टैम्प लगता है पार्टनरशिप डीड का. ऑल पार्टनर्स आर बाउंड बाय डिसीजंस टेकन बाय एनी वन ऑफ देम और ऑल पार्टनर्स. सोल प्रोप्राइटर ओनली 1% टेक्स अ डिसीजन और वो ही उसके लिए जिम्मेदार है. पार्टनरशिप में 2-3-4 जो भी है, ये लोग जो डिसीजन लेते हैं वो लोग खुद उसका दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर इट. कल प्रॉफिट हुआ तो शेयर करेंगे, लॉस हुआ तो लॉस उनको डिवाइड करना है, चैलेंजेस है, कंप्लायंसेस, उनको टुगेदर हैंडल करना है, तो साथ में हैंडल करना है, ये पार्टनरशिप में है. एडवांटेज, इजी फॉर्मेशन, ग्रेटर एक्सेस टू फंड्स, सोल प्रोप्राइटर से ज़्यादा एक्सेस है यहाँ. शेयर्ड रिस्क एंड शेयर्ड विजडम,
रिस्क शेयर हुआ है, कल कुछ लॉस हुआ तो एक ही आदमी पे ऊपर जा रहा है या दो तीन आदमी पे जाएगा। विजडम मतलब अगर किसी के पास एक थॉट या आइडिया है, इट कैन बी शेयर्ड हाउ वी मैनेज द बिजनेस। ऑल नॉट एग्री टू कॉमन डिसएडवांटेज भी है, दे डोंट एग्री टू अ कॉमन डिसीशन, डिसेंट एंड डिस्ट्रस्ट अनलिमिटेड लाइबिलिटी एक्सेप्ट एलएलपी। वो लोग काफ़ी टाइम डिस्प्यूट हो जाता है चार पांच आदमी में, सिंगल आदमी डिस्प्यूट अपने आप से नहीं कर सकता है, वो डिस्प्यूट हो जाता है, डिसेंट हो जाता है, एक दूसरे मानेंगे नहीं डिसीशंस पे। अनलिमिटेड लाइबिलिटी, अनलिमिटेड लाइबिलिटी अगर लॉस हुआ तो चारों में शेयर करना है, वो अनलिमिटेड है। ये अनलिमिटेड का आपको एक्सप्लेनेशन जब हम कंपनीज हैंडल करेंगे ना, मैं बताता हूँ, ये आपको एग्जैक्टली समझ में आएगा। यहाँ भी अनलिमिटेड है, यहाँ भी अनलिमिटेड है। एक्सेप्ट एलएलपी, एलएलपी है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। ये एक नया फॉर्म लाया गवर्नमेंट में, जहाँ पार्टनरशिप में आपका लाइबिलिटी मतलब आपको जो लोन लिया तो वापस रीपे करना है, वो लिमिटेड है। तो ये आप जब कंपनी का मैं एक्सप्लेन करूँगा ये क्या है टर्म करके। कंपनीज वी ऑल नो, जैसे बड़े कंपनीज जो ऑपरेट करते हैं, जो लिस्टेड है, नॉन लिस्टेड है, जो प्राइवेट है, गवर्नमेंट कंपनीज है, सो वो हम इस स्लाइड में देखेंगे। कंपनीज अ लीगल एंटिटी अंडर कंपनीज एक्ट, तो एक कानून है जिसके अंदर ये रजिस्टर होता है, तभी जाके ये ऑपरेट कर सकते हैं। मेमोरेंडम एंड आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होता है। मेमोरेंडम आर्टिकल में एक बड़े एग्रीमेंट्स रहते हैं जहाँ कंपनी का क्या उद्देश्य है, क्या प्रोड्यूस करेगा, क्या सर्विसेज देगा, वो लोग के कौन से एक्ट्स है, उसके डायरेक्टर्स कौन रहेंगे, ईच ऑफ द डायरेक्टर्स का रोल क्या रहेगा, कौन से लोकेशंस पे ऑपरेट करेंगे, कहाँ कहाँ लाइसेंस लेंगे, ये सब मेमोरेंडम आर्टिकल्स में रहेगा। दे गवर्न द ऑब्जेक्टिव्स, ओनर्स इन्वेस्ट मनी इन द कंपनी। कंपनी में ओनर्स रहता है, ओनर पैसा इन्वेस्ट करता है कंपनीज में, एंड ओनर्स जो मनी इन्वेस्ट करता है इसके लिए शेयर्स मिलता है, विच यू डोंट सी इन सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप। सो इसमें उसको शेयर्स मिलता है बकायदा। ओनर्स आर कॉल्ड शेयर होल्डर्स। शेयर्स ऑफ द कंपनी कुड बी सोल्ड और ट्रांसफर टू अदर ओनर्स। तो अभी फॉर एग्जाम्पल 40 शेयर होल्डर्स है, अगर मेरे पास शेयर्स है तो अपना मैं जो हिस्सा है वो किसी को बेच सकता हूँ, इसे मैं विद इन द शेयर होल्डर्स ओनली। ईच इक्विटी शेयर कैरीज लिमिटेड लाइबिलिटी। इसमें हम आ रहे हैं लिमिटेड लाइबिलिटी। सो हाउ दिस इज डिफरेंट फ्रॉम अनलिमिटेड लाइबिलिटी इज, मैंने फॉर एग्जाम्पल शेयर्स लिए 1,00,000 रुपये का, कल लॉस हो गया कंपनी में तो मेरा लॉस 1,00,000 रुपया ही है। पार्टनरशिप और सोल प्रोप्राइटरशिप में अगर मैंने 10,00,000 लगाया, मैंने लॉस हो गया 20,00,000 का, तो मेरे को और 10,00,000 कहीं लेके किसी को पे करना है। ये कंपनीज में नहीं है, लिमिटेड है शेयर्स तक। ईच शेयर हैज़ अ वोटिंग राइट, सो सिंस देर आर मेनी मेंबर्स, ईच मेंबर विल हैव अ वोटिंग राइट डिसीशंस में। सो ये आता है, अगेन ऑल दीज एस्पेक्ट्स आर अंडर कंपनीज एक्ट, और जो कायदा कानून के हिसाब से गवर्न होता है। कंपनी से भी दो फॉर्म है, प्राइवेट और पब्लिक। प्राइवेट मतलब जो लिस्टेड नहीं है, जो मार्केट में एक्सेस नहीं करते पैसा के लिए कैपिटल। सो प्राइवेट कंपनी मैक्सिमम शेयर होल्डर्स 50, शेयर्स कैन बी ट्रांसफर्ड अमंग मेंबर्स ओनली, मतलब जो 50 आदमी के बीच में ट्रांसफर हो सकता है। कैन नॉट रेज कैपिटल फ्रॉम पब्लिक, दैट इज स्टॉक एक्सचेंज से, जो प्राइवेट प्लेसमेंट से, इससे वो लोग रेज नहीं कर सकते। पब्लिक कंपनी इसमें मिनिमम 7 शेयर होल्डर्स, बट नो लिमिट ऑन मैक्सिमम शेयर होल्डर्स। इट कैन अप्रोच द जनरल पब्लिक थ्रू स्टॉक एक्सचेंज टू एक्सेस फंड, विच वी सी इन द न्यूज़पेपर्स टुडे, टी वी में देखते हो कि किसी का आपका राइट्स इश्यू आ गया, किसी का इक्विटी इश्यू आ गया, हम सब इन्वेस्ट करते हैं, फिर वो स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्ट होता है, 10 रुपये का मे बी 20 रुपीज़ भाव हो जाता है 1 ईयर के बाद, नहीं तो कभी कभी कंपनीज डोंट डूइंग वेल कम भी होता है, बट उसमें कंपनी कैन एक्सेस कैपिटल। टू मैनी कंप्लायंसेज टू बी फॉलोड। टू मैनी कंप्लायंस मतलब बहुत सारे लॉज है, एक्ट्स है जो इनको फॉलो करने हैं। हाँ, इसमें वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, मैनेजमेंट ओनरशिप ऑफ द कंपनी वुड बी डिफरेंट। जो पैसा लगाते हैं और जो मैनेज करता है कंपनी, दो अलग आदमी हो सकते हैं पब्लिक कंपनी में। तो एस्पेशली वेरी प्रोफेशनल कंपनीज में प्रोफेशनल्स हैंडल करते हैं डे टू डे अफेयर्स, डिसीशन मेकिंग। बोर्ड डिसीशन लेता है साल में पूरा क्या हमको ऑब्जेक्टिव है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसी में मैंने एक दया डाला है, गवर्नमेंट कंपनी जहाँ पे गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट रहता है, दे हैव मोर देन 50% ऑफ शेयर होल्डिंग। चलना सब ऐसे जैसे जो रत्न कंपनीज है अपने गवर्नमेंट के, वो गवर्नमेंट कंपनीज में आते हैं। एडवांटेज, लाइबिलिटी लिमिटेड है इसमें,
हमेशा कंपनी रहेगा, मेंबर्स भले छोड़ के जावे कंपनी इसको अपना शेयर ट्रांसफ़र करके, सेपरेट एंटिटी भी है जैसे सोल प्रोपराइटर, जैसे अगर प्रोपराइटर कल नहीं रहा तो कंपनी बंद हो गया, वैसा नहीं है इसमें। एक्सेस टू लार्ज फंड्स, बड़े बड़े फंड्स है, लाख करोड़ में मिल जाए, आपका एक्सेस कर सकते हो। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, आपका मार्केट भी बड़ा एड्रेस कर सकते हो। डिसएडवांटेज भी है, जो शेयर होल्डर्स है स्पेशली माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स, उनका इंडिफरेंस रहता है, दे आर ओनली इंटरेस्टेड इन द प्रॉफिट्स, दे मे नॉट होल्ड द शेयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, सो वो दैट वुड बी अ डिसएडवांटेज। एंड टू मनी कंप्लायंसेस, एवरी मंथ एवरी क्वार्टर कंप्लायंसेस है, स्टॉक एक्सचेंज द गवर्नमेंट्स को आपको डेटा भेजना है, आपका परफॉर्मेंस भेजना है, तो एक डिसएडवांटेज भी आता है। कॉपरेटिव्स, दिस इज़ अ डिफरेंट फ्रॉम, ये काफ़ी सालों चलते आ रहा है, जैसे इफ्को हो गया। सो ये एक्चुअली कॉपरेटिव्स क्या है, अ नॉट फॉर प्रॉफिट नॉन पोलिटिकल नॉन रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन फॉर्म विद इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव इसमें सामान बेचना है, प्रॉफिट कमाना है, बट नॉट फॉर प्रॉफिट। फॉर एग्जाम्पल फार्मर्स, तो फार्मर्स को अपना प्रोड्यूस बेच नहीं पाते, तो ये लोग क्या करेंगे, साथ में मिल जाएंगे और अपना प्रोड्यूस को बेचेंगे थर्ड पार्टी को, तो वो एक टीम बनते, एक कॉपरेटिव सोसाइटी बनाते हैं, तो ताकि जो रिवॉर्ड मिले पैसा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो। तो एक फॉर्म है ये, इफको हमारा है, फर्टिलाइजर कंपनी जो गवर्नमेंट का है वो एक एग्जाम्पल है, फार्मर्स कॉपरेटिव है, क्रेडिट कॉपरेटिव होते हैं जहाँ पैसा नहीं मिलता है तो चार आदमी मिलकर पैसा इकट्ठा करते हैं और किसी को देते हैं और ब्याज कमाते हैं। एडवांटेज, प्रमोट सोशल ऑब्जेक्टिव, जैसे मैंने बताया फार्मर्स का प्रोड्यूस बिक नहीं रहा है तो सोशल ऑब्जेक्टिव वो प्रमोट करता है। डिसएडवांटेज, फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज, अनसर्टेन लाइफ। डिसएडवांटेज क्या है, मेनी प्रोफेशनल्स नहीं है इसमें, वही डिसीजंस लेते हैं, तो दे मे नॉट नो द नीटिग्रिटीज हाउ टू हैंडल थिंग्स, तो वो फ्रॉडुलेंट एक्टिविटीज़ हो सकता है, एक दूसरे को विश्वास नहीं है तो इश्यूज आ सकते हैं, और अनसर्टेन, तो एक बार इनमें गैप आ गया तो अनसर्टेन लाइफ ऑफ कॉपरेटिव्स। सो एज बेस्ड ऑन ओनरशिप, हमने देखा सोल प्रोप्राइटर है, पार्टनरशिप है, कंपनीज है, अगेन कॉपरेटिव्स भी आ जाते हैं। सो द आइडिया ऑफ दिस होल प्रोजेक्ट वॉज, जहाँ हम अंडरस्टैंड कर पाए मैनेजरियल इकोनॉमिक्स क्या है। मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के लिए वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इकोनॉमिक्स, व्हाट इज इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक डिसीजंस, एंड हाउ एज अ कंपनी वी एड्रेस इट एज अ कंज्यूमर्स। सो दैट इज फ्रॉम माई साइड इस पे। ओके, थैंक यू।